रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच में डॉक्टर सीपी सिंह जिज्ञासा हॉस्पिटल से मौजूद हैं। सर आप प्लीज मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी के साथ में मिस्टर राजेश रस्तोगी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएं। और इसके साथ साथ में मिस्टर आर्यन त्रिपाठी यहाँ पर मौजूद, और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी जीएसटी डिप्टी कमिश्नर वो भी मंच पर आमंत्रित है। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, जोरदार तालियों के साथ में अपने तीसरे सेशन की शुरुआत करते हैं। और इसी की तरह से लगातार हमारा सेशन आगे बढ़ रहा है। इस सेशन में हमारे साथ में डॉक्टर सीपी सिंह जिज्ञासा हॉस्पिटल से मौजूद है, स्वागत है सर आपका। राजेश रस्तोगी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और साथ साथ में आर्यन जी जीएसटी डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ में मौजूद हैं। सवाल जवाब जारी रहेंगे, लेकिन उस बीच आप तीनों का स्वागत है। आपसे सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर सीपी सिंह से, जिज्ञासा हॉस्पिटल से आप आते हैं मुरादाबाद में, मुरादाबाद की जब बात होती है तो हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ कंट्रीब्यूशन आपका रहा है और क्या कुछ आगे कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, सबसे पहला सवाल। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। बात आती है मैडम कंट्रीब्यूशन की, मुझे लगभग 20 साल इस शहर में हो गए अपनी सेवाएं देते हुए। मैंने भरसक प्रयास किया है अपनी तरफ से कि मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ। मेरे बड़े भाई रस्तोगी साहब बैठे हैं, बाकी और भी मेरे बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं जो भली भांति जानते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में हमेशा जो निचला तबका है, जो गरीब वर्ग है, उसको तवज्जो दी है, भरसक प्रयास किया है उसको कोई कठिनाई ना हो, उसके पास कोई पैसा भी नहीं है तब भी उसको कठिनाई ना हो, उसका पूरा इलाज हो। हमने पिछले पाँच साल पहले एक प्रोजेक्ट खड़ा किया है, ब्राइट स्टार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो इस रीजन का मंडल का ही नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गाज़ियाबाद के बाद, जिसमें हमने एयर एम्बुलेंस का भी ऑप्शन रखा है, हालांकि उसका अभी प्रोसेस जारी है ताकि कोई सिक मरीज है जिसको बहुत जल्दी दिल्ली या मुंबई वगैरह या कहीं ले जाना है चेन्नई, तो जल्दी हम उसको यहाँ से शिफ्ट कर सकें, उसकी जान बचा सकें। वो हमारा 350 बेड का हॉस्पिटल है। इसके अलावा एक और नया प्रोजेक्ट हम शहर के बीचों बीच लेकर आ रहे हैं जो 150 बेड का लगभग प्रोजेक्ट है, वहाँ भी हम यही प्रयास करेंगे कि सारी सर्विसेज जो हमारे बीमार लोग हैं जो जिनको ज़रूरत है उनको दे पाएँ एक ही छत के नीचे, ख़ास तौर से जो गरीब मरीज़ हैं। हमने शुरू से ही जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की तो मैंने पहले दिन ही उसका रजिस्ट्रेशन कराया, ये सोचते हुए और उसकी जो खूबियां हैं वो देखते हुए कि इससे हमारा गरीब और वंचित वर्ग ज़रूर फायदे में रहेगा, उसको उपचार मिल सकेगा। कई लोग आज भी ऐसे हैं कि इलाज तो छोड़िए उनके पास फीस के भी पैसे नहीं होते। अब पहला तो रास्ता फीस से ही शुरू होता है,
जब उसके पास फीस ही नहीं है तो इलाज क्या करेगा। तो आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जो हमारा वंचित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है खास तौर से, जो उसको फ़ायदा मिला है उसको वर्णित करना मुश्किल है, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं इस चीज़ को डे टू डे प्रैक्टिस में। और वो इतना खुश है कि साहब मोदी जी ने हमें एक ऐसा जो कार्ड दे दिया है जिससे हमारी ज़िंदगी सुरक्षित है, हम कभी भी इसे अपना इलाज करा सकते हैं और अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आरएन जी भी लगातार हमारे साथ इस पैनल में। आरएन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर आप हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या कुछ वो चैलेंजेस हैं जो इस रेजिग्नेशन पे रहकर सबसे ज्यादा आपको फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी को नमस्कार, मैं आर्यन त्रिपाठी, थोड़ा सा नाम लिखने में हो सकता है गलती हो गई हो, मैं आर्यन त्रिपाठी डिप्टी कमिश्नर हूँ जीएसटी में। ये जीएसटी डिपार्टमेंट हमें लगता है सबसे चर्चित भी रहा, हर व्यक्ति जानता भी है। जुलाई 2017 से हम लोग जीएसटी लागू हुआ है पूरे देश में, और जितने भी अलग अलग स्टेट्स में पहले सेल टैक्स के रूप में या अन्य भी नामों से बिक्री कर व्यापार कर अन्य नामों से था, उसको एक साथ करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया गया है और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। पहले जब शुरू में जीएसटी लागू हुआ तो हम लोग को एक लक्ष्य दिया गया था लगभग 1.5 लाख करोड़ का, ये हुआ था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1.5 लाख करोड़ का। लेकिन ये जान के खुशी है और मैं आप लोगों को बताने में भी गर्व भी महसूस करता हूँ कि आज हमारे व्यापारियों के सहयोग से और सबके योगदान से 1,67,000 करोड़ से ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार ताली भी बजनी चाहिए क्योंकि इसमें सबका योगदान है। और आज का ग्रोथ अगर देखा जाए तो लगभग 11 से 14% के बीच में हम लोग जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर हम इसका विश्लेषण करें, अगर हम इसके मूल में जाएं, तो मुझे सबसे बड़ा लगता है कि जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो इम्प्रूव हुआ है। अभी हमारे एक पूर्व जो थे, उन्होंने शायद जहाँ से भी हूँ, अभी मैं नाम नहीं सुन पाया, थोड़ा मैं लेट से आया था, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। तो ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसके कारण हम लोग आसानी से हम लोग ऑफिस में भी काम कर पा रहे हैं, और हमारा व्यापारी जो हमारे एक परिवार का सदस्य है, जो एक बीच का काम करता है कंज्यूमर से कलेक्ट करके और हमारे यहाँ गवर्नमेंट के खाते में जमा कराने का, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है राष्ट्र के निर्माण में। और इन्हीं के योगदान के फलस्वरूप अगर हम देखें तो आज भारत की अर्थव्यवस्था जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके लिए भी एक बार ताली होनी चाहिए जो है। और परचेजिंग पावर कैपेसिटी अगर हम देखें तो हमारा स्थान 3रे नंबर पर है। तो ये हमारा योगदान है और इसमें आप सबका योगदान है जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं। इसके लिए हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो गवर्नमेंट का एक बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए कि योजना भी है और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ एकदम से पेपरलेस एक तरह से व्यवस्थाएं हैं, आप घर पे बैठे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर का लिमिट 40 के आसपास है, 40 लाख के आसपास है अगर पर एनम जो है, पर वर्ष जो है, तो वहाँ पे बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कोई फीस नहीं है। इसके अलावा अगर कोई, हालांकि ये घटना न घटे किसी के साथ में, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ जो उसका ओनर है, तो हम लोग 10 लाख का दुर्घटना बीमा देते हैं, इसके लिए कोई फीस नहीं देना है। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप सबका योगदान है, थैंक यू। हम चाहेंगे किसी तरह से जो है हम लोग सब लोग मिल करके देश को बढ़ाएं, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना आसमान का, थैंक यू। अच्छा सर, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा, वो ये कि जो लगातार हम देख रहे हैं कि लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर बिजनेसमैन अगर मैं बात करूं तो कोशिश ये की जाती है कि टैक्स किसी तरीके से बचा लिया जाए, तो क्या संदेश देंगे आप कि बिजनेसमैन टैक्स बचाए ना, भयभीत ना हो और आगे बढ़ चढ़कर कॉन्ट्रीब्यूट करें? देखिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहली बात मतलब मैं कहना चाहूंगा कि व्यापारी वर्ग के बीच में जो पहले एक झिझक होता था मिलने का, हम लोग एकदम बिल्कुल फ्रेंडली कोशिश करते हैं काम करने के लिए। जो भी समस्याएं हमारे जो जूनियर अधिकारी हैं या फील्ड में जाने वाले अधिकारी हैं, होता क्या है कि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तब तक हम समाधान नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि वो बिल्कुल निर्भय होकर के हमारे यहाँ आएँ और अपनी समस्याओं को रखें। कुछ टेक्निकल इशू आते हैं जिसमें बिल को लेकर के या तमाम समस्याएँ होती हैं, न जानकारी के कारण होता है, उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हो।
और चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, हर व्यक्ति अपनी चीज़ों को बैठ के देख सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा फर्जी है या नहीं है, कौन सा रजिस्ट्रेशन जो लिया गया है वो किसी मोटिव के तहत तो नहीं लिया गया है, तो इजीली हम लोग देखते हैं, उसका समाधान भी करते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम प्रॉब्लम हो। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिशियन और एक्टर होने के साथ साथ में एक उद्योगपति ऑलरेडी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, रस्तोगी जी, क्या रिवॉर्ड देंगे आप इसका? हेलो, देखिए बहुत अच्छी बात कही भाई साहब ने। जीएसटी एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी वजह से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को पंख लगे हैं। जीएसटी और भी बढ़ सकता है। मैं चूंकि व्यापारी हूं और एक पॉलिटिशियन भी हूं और सर भी बैठे हैं, तो आज एक मौका मिला है और चैनल के थ्रू बात हो जाए। अगर जीएसटी विभाग में कुछ ऐसी कोशिश हो जाए कि व्यापारियों से समन्वय बनाकर 2-3 महीने में, जैसे अभी आपने देखा होगा उद्योग बंधु की मीटिंग कमिश्नर साहब लेते हैं, तो उद्योगपतियों से मुलाकात हो जाती है और वो उद्योगपतियों को जो समस्याएं होती हैं उनकी समस्या का निदान भी हो जाता है और फ्रेंडली हो जाता है आदमी ना। कमिश्नर साहब से आदमी जनरल मिल नहीं पाता, लेकिन जब वो बुला लेते हैं मीटिंग और उसमें 200 लोग बैठे हैं तो वो कमिश्नर साहब से अपनी बात कह पाते हैं। ऐसे अगर जीएसटी विभाग में भी अगर आप इस तरह से कोई ऐसी व्यवस्था बना लें कि जो व्यापारी हैं, देखिए जो बड़े व्यापारी हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो सारे सिस्टम होते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे यहाँ तो कंपनी में सीए है, कंपनी में अकाउंटेंट हैं, है ना जी, तो मेरे यहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं जिनसे गलती होने की संभावनाएँ हैं, और ह्यूमन एरर तो डिपार्टमेंट से भी होता है, डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे भी होती है, तो उनको अगर आप लोग बुलाकर थोड़ा सा अपना समन्वय बना लें और उनके मन से भय निकाल दें कि भाई आप आओगे तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ना कि आपको प्रताड़ित किया जाएगा, तो जीएसटी और बढ़ सकता है। अभी मतलब चूंकि चैनल का माध्यम है मैं कह लेता हूँ, अभी कुछ नोटिस जा रहे हैं व्यापारियों पर पुराने 2017 के, 17 में कानून लागू हुआ, उस समय तो गलतियाँ अधिकारियों से भी हुई थी, उन्होंने भी जजमेंट गलत दे दिए थे, तो उनका तो सर्वे हो नहीं रहा, व्यापारियों का हो रहा है, उसे रोक दीजिए अगर रुक सकता हो तो, क्योंकि उससे व्यापारी प्रताड़ित हो रहा है और कुछ नहीं। आज 2023 एंड होने आ रहा है, 5 साल पुराने खाते निकालना, उनको सारा चेक करवाना, और उससे क्या बढ़ेगा आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है, होना कुछ है नहीं उससे। तो वो हमने तो अपने लेटर डाल दिए हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल दिया है, सब जगह भेज दिया है और अपने नेताओं को मिनिस्टरों को भी बोल दिया है, लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से उसके प्रति लोगों के अंदर संवेदनाएं पैदा की जाएं और उन्हें बताया जाए कि भी डरने की बात नहीं है, आप आओ और बताओ, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे सुलझाया जाएगा, तो इससे हमारे देश का ढांचा भी सुधरेगा और प्रदेश की प्रगति भी होगी और जीएसटी भी बढ़ेगा। आरएन जी, बड़ा सवाल और बड़ा आरोप, क्या जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल आपका कहना वाजिब भी है, चूंकि कुछ समस्याएं, जब कोई चीज नया लागू होता है तो निश्चित रूप से समस्याएं आती हैं। चूंकि ये जो जीएसटी लागू हुआ वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे हुआ है, एक जगह किसी स्टेट का या पर्टिकुलर किसी जोन की बात नहीं है, और वास्तव में इनका जो प्रश्न है वाजिब भी है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि मीटिंग की जो संख्या है उसको बढ़ाएं। जो है जैसे अभी आपने बताया अभी कि महीने में एक मीटिंग भी होती है उद्योग बंधु की, और भी मीटिंग होती है, हम लोग अपने यहाँ बीच में भी बुला करके मीटिंग करते हैं, उसकी संख्या को हम लोग बढ़ाएंगे और जो संवादहीनता है उसको और दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि संवाद हो, जो भी समस्याएं हम लोग उसका उचित प्लेटफॉर्म पे समाधान कर सकें। थैंक यू। सीपी सिंह भी लगातार हमारे बीच में बने हुए हैं, सवाल जवाब आपसे भी मेरे जारी रहेंगे, लेकिन सीपी सिंह जी, डॉक्टर, इस बीच आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, मुरादाबाद की जब हम बात करते हैं तो जो सांस से संबंधित रोगी हैं उनकी समस्या बढ़ती जा रही है और उनकी जो नंबर्स हैं उसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ऐसा क्यों और क्या कुछ किया जा रहा है इसके समाधान निकालने के? देखिए, जो मुरादाबाद में सांस की समस्याएं हैं उसके पीछे का जो एक प्रमुख कारण है वो यहाँ का उद्योग भी है, जो पीतल उद्योग है। दरअसल पीतल उद्योग जो निचले लेवल से शुरू होता है, वो भट्टियों में पीतल को गलाया जाता है, उसको ढाला जाता है और वो सबसे निचले स्तर का काम होता है, और वो बड़ी बड़ी भट्टियाँ रहती हैं, बहुत सारा धुआं वहाँ रहता है, एक तो वो होता है। दूसरा, जो उनसे आर्टवेयर बनाए जाते हैं, जो भी गिफ्ट टाइप के हैं या जो भी बर्तन वगैरह है, उसकी घिसाई होती है, उसमें बहुत सारा डस्ट होती है, वो डायरेक्ट
जो भी मजदूर वो काम करता है या जो भी कारीगर काम करता है उसको फेफड़ों तक जाता है और उससे तरह तरह की उसमें परेशानियां बीमारियां पैदा होती हैं। जो सबसे अहम बीमारी है वो सांस की ही बीमारी है, उसकी वजह से टीबी के मरीज भी बढ़ रहे हैं। ये तो एक उद्योग से संबंधित हो गया। दूसरा, जो मुरादाबाद की जनसंख्या है खासतौर से कुछ इलाकों में, उसमें घनत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घनी आबादी है। घनी आबादी में क्या होता है, जो इन्फेक्शन वाली बीमारी हैं खासतौर से जैसे टीबी की बीमारी है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत जल्दी पहुँच जाती है। एक एक घर में 10-15 लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो देखने में ही आता है कि पूरा परिवार को ही एक बीमारी हो गई और वो परिवार मुश्किल में आ जाता है। हालांकि सरकार इस लेवल पर बड़ा काम कर रही है, सरकार ने डॉट्स प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, ऐसी घनी आबादियों में जाके उन्होंने अपने वर्कर छोड़े हुए हैं, हेल्थ वर्कर, जो मरीजों को पहचानते हैं, हॉस्पिटल तक लेके आते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। सरकार पूरे इलाज का खर्चा उठाती है। इसमें एक बीमारी और इसकी वजह से होती है जो धुआं होता है, जिसको ILD हम बोलते हैं। ILD एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंग्स धीरे धीरे डैमेज होते जाते हैं और उसका फिर कोई इलाज नहीं बचता। ILD एक लाइलाज बीमारी होती है और जो प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ती ही रहती है, कम नहीं होती, और बहुत सारे लोगों की उसमें जान चली जाती है। तो ये कुछ जो बीमारियां हैं प्रमुख रूप से इस शहर को परेशानी में डाले हुए हैं यहाँ के उद्योग की वजह से। आरएन जी से सवाल रहेगा मेरा। आरएन जी, इस बीच मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि समय समय पर उद्यमियों को जागरूक करने के लिए, यानी कि बिजनेसेस को जागरूक करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं, स्पेशली GST डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, और रिकॉर्ड तोड़ इजाफा भी कलेक्शन में हुआ है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ तक पहुंचा है अभी की बात करें तो? जी सॉरी, कुछ जो संग्रह हुआ है वो कहाँ तक पहुंचा है? जो हम लोग का लक्ष्य है उससे लगभग हम लोग मान के चले कि पिछले साल की तुलना में लगभग हम लोग 14% का ग्रोथ आ रहा है। 1,67,000 से ऊपर हमारा रेवेन्यू कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया का है जो है, और इसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीकृत कराते हुए इसको और तेजी से बढ़ाएं, ये हम लोग का लक्ष्य है जो है। अच्छा, क्योंकि व्यापारियों की बात हो रही है और रस्तोगी जी हमारे बीच में मौजूद हैं और एज अ पॉलिटिशियन भी आप हैं जो काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पीएम मोदी हमेशा से बात करते हैं जॉब क्रिएशन की, ना कि जॉब सीकिंग की, कि जॉब क्रिएटर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप खुद एक जॉब क्रिएटर हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस बीच? देखिए, शिक्षा का स्तर हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरी दुनिया को हमारे देश के युवा कमांड कर रहे हैं। हमारे देश में जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा टैलेंट हमारे देश में है, और आप देखें अमेरिका जैसे बड़े देश में 70% कंपनी के CEO इंडियन हैं। तो ये एक इंडिया हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। बहुत आसान काम है, थोड़े से, हालांकि हमारे प्रदेश की सरकार तो बहुत स्ट्रांग है इस समय और वो क्रिएटर है हमारे प्रदेश की सरकार, लेकिन हम अपने युवाओं को ये बात बता सकते हैं कि जिस समय आप पढ़ाई करते हैं उस समय पढ़ते समय आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये पढ़ाई कर लूं मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। उनकी सोच ये बदलनी है, मैं ये पढ़ाई कर लूं तो मैं इतने लोगों को नौकरी दे पाऊंगा, और अगर ये वाली पढ़ाई और कर लूं तो इतने लोगों को और नौकरी दे पाऊंगा। ये सोच अगर हमारे युवाओं की डेवलप हो जाए, हालांकि इस पर कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, हमारे प्रधानाचार्य आदरणीय अनुज जी बैठे हैं, ये भी अपने कॉलेज में बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जॉब क्रिएटिंग करने के लिए हमारे गुरुओं का काम है, पहले गुरु लोग अपनी प्रक्रिया को शुरू करें और बच्चों में ये भावनाएं लाएं। और जो मैं कहता हूँ बताता हूँ कि जैसे उद्योग लगाने होते हैं तो इनकी भी पाठशाला होनी चाहिए, इनकी भी क्लासेस होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मजदूर हैं पीतल के कारीगर, वो कारीगर तो हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है। वो स्किल्ड कारीगर होने के लिए वो एक स्कूल खुलना चाहिए, कॉलेज, ताकि उनकी वो शिक्षा उन्हें दी जा सके। मैं दवा का व्यापार करता हूँ, हमारे यहाँ दवा का व्यापार करने वाले स्किल्ड बच्चे नहीं हैं। अगर उनके लिए एक खोल दिया जाए व्यापार का संस्थान तो उन्हें मिलेगी। जैसे मैं एक एजुकेशन सेंटर चलाता हूँ फ्री, मैं बच्चों को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाने की शिक्षा देता हूँ बिल्कुल फ्री। तो वो जो लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं उन्हें मैं खुद पढ़ाता भी हूँ, फिर उनको नौकरी भी दिलवाता हूँ। तो ये तो एक समाज सेवा वाला कार्य हो गया, लेकिन इसको कॉलेज के रूप में बड़े विस्तार से करके अगर हमारे शहर में लोग करें,
देश में प्रदेश में करें तो रोजगार इस तरह से बढ़ सकता है। और चूंकि जीएसटी के सर बैठे हैं, फिर मैं दोबारा कहूंगा, आज पूरा फायदा मैं ले लेना चाहता हूं कि यहां इनके यहां बैठे होने का और आपके द्वारा इनको यहां बुलाया गया। मैं इसके लिए आपको भी साधुवाद देता हूं, चैनल को भी साधुवाद देता हूं। जो व्यापार संगठन है, आप हमेशा उन लोगों को बुलाते हैं। व्यापार संगठन तो देखिए, उनको तो राजनीति करनी है, उनको अपने चाराने इकट्ठे करने हैं, मैं नेता हूं, मैं नेता हूं। वो समाज में कोई बदलाव लाने की तरफ नहीं है। समाज में बदलाव वो लाना चाहता है जिस व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी होती है। आप उद्योगपतियों को बुलाइए, आपके यहाँ तो जीएसटी जमा होता है, आप अपने सारे सर्किल के लोगों से पूछ लीजिए किस किस का जीएसटी सबसे ज्यादा है। ऊपर के 10 लोगों को हर डिपार्टमेंट के बुला लीजिए, किसी बड़े को सम्मानित कीजिए, उससे समाज में एक संदेश जाएगा कि मैंने देश को पैसा दिया तो देश ने मुझे सम्मान दिया, मैंने प्रदेश को पैसा दिया प्रदेश ने मुझे सम्मान दिया। और जो छोटे जीएसटी वाले हैं उनको बुलाकर उनसे मिलवाइए कि भाई तुम तो देखो 10,000 रुपए जमा कर रहे हो, ये 10 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए जमा कर रहा है, ये खुश है, तो आप भी अपने आप को 10,000 से 20,000 पे लाइए तो हम आपको सम्मानित करेंगे। तो आदमी क्या करेगा कि वो कोशिश करेगा कि मेरा व्यापार कागजों पे होना शुरू हो जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, खास तौर से व्यापारी होने के नाते, नंबर एक का काम करने वाला व्यापारी ज्यादा संतुष्ट है, नंबर दो का काम करने वाला व्यापारी संतुष्ट नहीं है। ना तो उनका पैसा सुरक्षित है, ना उनका भविष्य सुरक्षित है। इसलिए काम नंबर एक में लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सेल्स टैक्स जीएसटी वाले दरवाजे तक पहुंचने में डरते हैं वो लोग। वो डर, जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये किया है कि पुलिस के दरवाजे पे जाने से लोग डरते हैं, तो वो डर उन्होंने खत्म किया है कि आप मित्र बनिए, जो लोग आए अपनी समस्या लेके उनको मित्रता का व्यवहार करें। ऐसे ही उस वाले दरवाजे पे मित्रता का बोर्ड लगवाइए ताकि परेशान आदमी आपके पास आकर अपनी समस्या बहुत प्यार से बता सके। और ये प्रचारित करवाइए कि अगर निचले स्तर का कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, आप मेरे पास आइए। इससे आपका जीएसटी बढ़ेगा और बूंद बूंद से सागर बढ़ता है सर। अगर मुरादाबाद में मैं कहता हूं 1,000 रुपए का भी जीएसटी बढ़ा एक महीने में, तो पूरे एक साल में कितना बढ़ेगा और पूरे देश में कितना बढ़ेगा। इस तरह से एक व्यवहार, एक प्रचार हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। नहीं, आपकी बात को हमने बहुत मतलब गहराई से सुन भी रहा हूं। जैसे शुरुआत में ही हमने कहा था, जो एक संवादहीनता है ये बहुत बड़ा रोड़ा है और इसको दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी मीटिंग्स की संख्या को हम लोग और बढ़ाएं। जैसे आपने सही सुझाव दिया कि और लोगों को बुलाया जाए, एक चीज़ और आपने कहा कि पुरस्कृत करने का, तो हमारे यहाँ पुरस्कार दिया भी जाता है, जो सबसे ज़्यादा देने वाले हैं, खासकर जब जीएसटी की जो स्थापना का दिवस है उस पर हम लोग कराते हैं। लेकिन इसकी संख्या को हम लोग और बढ़ा देंगे, कई और क्रम बना देंगे उसका। तो आप सही कह रहे हैं कि हौसला ही जो है, बिल्कुल, जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा वो कोई काम नहीं कर सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी किसी क्षेत्र का हो। तो मोटिवेशन के लिए हम लोग बिल्कुल वर्क करेंगे, आपका सुझाव बिल्कुल सही है। थैंक यू रस्तोगी जी, आपने एक बात तो साबित कर दिया। आपने इस सेशन की शुरुआत में, इससे पहले वाले सेशन में बोला था मैं अपने हर किरदार को जीता हूँ, आपने एक एक्टर के किरदार को जीने की बात कही थी कि मैं किस तरीके से उसको जीता हूँ, फिर आपने एज अ पॉलिटिशियन अपने पॉइंट्स रखे और अब आप एज अ बिजनेसमैन भी अपने पॉइंट रख रहे हैं, तो आपने हर किरदार को जीते, ये बात तो साबित हो गई। इस बीच क्योंकि सीपी सिंह जी जिज्ञासा हॉस्पिटल से लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, सीपी सिंह जी, जब हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो मुरादाबाद की जो अभी मौजूदा तस्वीर है उसको आप कैसे देखते हैं, और आने वाले समय में इस तस्वीर को और ज्यादा बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 20 साल पहले, तो स्वास्थ्य सेवाओं में मुरादाबाद बहुत पिछड़ा हुआ जिला माना जाता था। यहाँ के बहुत सारे मरीज मेरठ जाते थे, बहुत सारे बरेली जाते थे, बहुत सारे दिल्ली जाते थे इलाज के लिए। लेकिन आज तस्वीर बहुत ज्यादा बदल चुकी है, यहाँ हर वो फैसिलिटी अवेलेबल है आज की डेट में लगभग जो दिल्ली, मेरठ, मुंबई या किसी भी शहर, देश के बड़े शहर में अवेलेबल है। यहाँ कार्डियक सर्जरी भी होती है, यहाँ हर तरह की सर्जरी होती है, यहाँ न्यूरो सर्जरी के अच्छे अच्छे सेंटर हैं, यहाँ हार्ट के बड़े बड़े अच्छे अच्छे सेंटर हैं। तो कहने का मतलब है कि अब आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, सरकार का भी पूरा इसमें सहयोग रहा है, हमारा टीएमओ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस क्षेत्र में, सरकार मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है,
जो एक और बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि जो हमारी गरीब जनता है, जो हमारी वंचित जनता है, उसको पूरा उपचार, पूरी सुविधा, पूरी सहूलियत, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सवाल मेरे आपसे रहेंगे, लेकिन उस बीच मैं चाहूंगी सबसे जोरदार तालियों के साथ में मुरादाबाद के कमिश्नर का स्वागत किया जाए, हमारे बीच में मौजूद है और कार्यक्रम क्योंकि लगातार जारी है। स्वागत है सर आपका भारत 24 के इस खास कार्यक्रम यूपी के मन की बात में। सवालों का सिलसिला जारी है डॉक्टर सीपी, अगला सवाल भी मेरा आपसे ही रहेगा। लीक से हटकर काम करने की जब बात कही जाती है तो वो आप कैसे करते हैं, और स्पेशली जब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, लेकिन रोग कभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर नहीं आता है आपके पास, तो उसका समाधान कैसे निकालते हैं आप लीक से हटकर काम कैसे करते हैं? देखो, उसका समाधान आपके हाथ में होता है और बड़ा आसान होता है। अब जैसे मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की 20 साल पहले, तभी से मैं महीने में एक बार फ्री कैंप रखता हूँ, जो गरीब वंचित हैं वो बिना फीस के दिखा के जा सकते हैं, अपनी दवाइयाँ जारी रख सकते हैं। आजकल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सस्ती दवाइयों का भी ऑप्शन ला दिया है, जो जनऔषधि केंद्र बनाकर वहाँ से सस्ती दवाइयाँ ले सकते हैं। जो नए नए एडवांसेस हुए हैं वो भी आजकल गरीबों के दायरे में आ गए हैं। अब जैसे मेरे यहाँ कोई गरीब आता है तो पहला तो जैसे मैंने बताया, मेरे पास या बहुत सारे जितने भी हॉस्पिटल हैं शहर के, लगभग सभी के पास आयुष्मान भारत की सुविधा अब है, जिसके ज़रिए वो अपना इलाज पूरा कर सकता है। तीसरा, फिर भी अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, फीस भी नहीं दे सकता, फिर भी हम उसको कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट देकर इलाज करके भेज देते हैं। वो कॉर्नर लगभग सभी हमारे डॉक्टर्स के पास रहता है, सॉफ्ट कॉर्नर एक, मैं तो करता ही हूँ, मैं समझता हूँ लगभग सभी लोग थोड़ा बहुत करते हैं। आर्यन जी, इस बीच सवाल रहेगा जीएसटी से जुड़ा हुआ। समय समय पर हम देखते हैं कि जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े के बारे में हमने बात करी और उद्यमों का सवाल मैं आपसे करूंगी। जीएसटी वो देते हैं और लेकिन उन्हें रिफंड में लोग देते हैं जीएसटी रिफंड में एक महीने से अधिक का समय लग जाता है और इसके टर्नओवर में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसका निष्कर्ष क्या कुछ है? देखिए, हमारे यहाँ जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं वो एक एक्ट है, जीएसटी एक्ट, उसी के अंतर्गत हम लोग काम भी करते हैं और उसमें एक समयावधि हर कार्य का निर्धारित किया गया है। रिफंड का भी 2 महीने का है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग प्रोविजनली रिफंड कर देते हैं लगभग 90% जो भी एक्सपोर्टर हैं, जो उसमें ITC का इनपुट होता है, जो भी जितना उनका निर्यात होता है उसके रेशियो में जो उस पीरियड में ITC उन्होंने लगाया हुआ है या जो भी इनपुट लगा हुआ है, तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं 15 दिन के अंदर ही हम लोग 90% उसका दे देते हैं। 10% जो शेष बचता है उसको 2 महीने के अंदर जाँच करके प्रपत्रों की किया जाता है, तो इसमें मेरे विचार से कोई लेट की कोई ऐसी शिकायत भी हम लोग पास नहीं आती है, कोशिश भी करते हैं टाइमली हो जाए। रस्तोगी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं एक्सपोर्ट भी करता हूं और जीएसटी का जो रिटर्न है वो फिलहाल टाइम से हो जाता है, उसमें कभी कोई शिकायत अभी तक आई नहीं है, 5 साल हो गए मुझे एक्सपोर्ट करते हुए। और मैंने बताया ना, बड़े व्यापारियों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताई है ये बात, बड़ा व्यापारी सक्षम होता है सारी समस्याओं का निदान करने के लिए, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं परेशानी वही है। और देश को और प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। उनको बढ़ाने के लिए बस मैंने आपको बताया, हमारे महानगर के आदरणीय हमारे मंडल के कमिश्नर साहब श्री आंजनेय कुमार सिंह जी यहाँ आ गए, मैं बहुत सहसम्मान उनका स्वागत करता हूँ और ये उदाहरण है इस शहर का, इस मंडल के लिए उदाहरण है, आपके भी कमिश्नर हैं आप देखिए, ये उदाहरण है, इन्होंने आके मुरादाबाद में ऐसे कार्य किए हैं जो अतुलनीय हैं। मतलब मैंने तो अपने 60 साल के जीवन में ऐसा कमिश्नर अपने मुरादाबाद में कभी देखे नहीं। ये मैं इनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, इनसे पहले भी कमिश्नर आए हैं, लेकिन इनकी जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट सारे खुले हुए हैं। ऐसे ही अगर आपके भी कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे तो नेचुरली जरूर से जरूर जीएसटी बढ़ेगा और इसके लिए कोशिश आप ही को करनी है, मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। और चलिए इसी के साथ में जोरदार तालियों के साथ इस सेशन का अंत करते हैं।